पहले मुझे बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, कमर में दर्द रहता था और चलने फिरने में भी मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। लेकिन 27 मार्च को मैंने इंजेक्शन लगवाया, जिससे मुझे 50-60% जो है कि बहुत ज़्यादा आराम है मेरे को, बैठने उठने का दर्द मेरा गायब है। 1 साल से बहुत दिक्कत में था, इस परेशान थे परेशान से, और 6 3 4 महीने से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, दिक्कत क्या क्या परेशानी थी? हो रही थी। पाँव में पूरा पेन जा रहा था, एक साइड को ऊपर से नीचे तक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीपिका, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी। फ्रेंड्स, आज हमारे जो पेशेंट है मिस्टर भरत सिंह, 42 एज इनकी, ये समाना पंजाब से हैं। इनको बैक का पेन 2014 से बैक पेन है, जो इनके दोनों पैरों में रेडिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इनको सुन्नपन, झंझनाहट, भारीपन दोनों पैरों में होता है। इन्होंने इससे पहले काफ़ी जगह पर दिखाया भी है इसके लिए, पर इनको कुछ खास इंप्रूवमेंट लगी नहीं है। हमने इनको पहले डीएसीफिनेशन दिया था, इनको फर्स्ट डोज, उसके बाद से इनको 50-60% रिलीफ है। तो आइए जब इनसे जानते हैं कि इनको पहले से कितना आराम है, पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और अभी उनमें क्या क्या सुधार है। सर बैठ जाइए, करवट बताइए। पहले मुझे बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, कमर में दर्द रहता था और चलने फिरने में भी मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। लेकिन 27 मार्च को मैंने इंजेक्शन लगवाया, जिससे मुझे 50-60% जो है कि बहुत ज़्यादा आराम है मेरे को, बैठने उठने का दर्द मेरा गायब है। थोड़ा 50-60% मेरा गायब है, 30-40% है जो कि मैं दूसरी बार इंजेक्शन लगवाने आया हूँ और अभी दवा ले रहा हूँ, जो है एक्सरसाइज वगैरह जो बताइए वो मैं कर रहा हूँ। पहले कितना चल लेते थे आप? जी पहले कितना चलने के बाद दर्द आता था आपको? मेरे को करीबन आधा घंटा पौना घंटा खड़ा रहने के बाद, बैठने के बाद बैठता, आधा घंटा खड़ा रहने के बाद बैठता था तो दर्द होता था, या मान लो बैठा हूँ तो खड़े होने पर दर्द होता था। अच्छा, सुन्नपन, झंझनाहट, भारीपन ऐसा कुछ था? ये सोते समय होता था, रात को सोते समय ये झंझनाहट वगैरह पैर में होता था, जैसे कोई चींटी वगैरह चल रही हो उस हिसाब से। इससे पहले आपने कहीं और भी दिखाया है? मैंने राजेंद्र हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया था अपना जो है, और जयपुर में दिखाया था अपने, बनारस का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे मैंने दिखवाया था जो है, जिसका उन्होंने भी दवाइयाँ चालू की थी लेकिन कोई खास फर्क पड़ा नहीं। और ये तकरीबन 2014 से लेकर अभी तक मैं परेशान ही था दवाई दे के। अभी आपको रिलीफ है, जी हाँ, लग रहा है ठीक अभी हो जाओगे। इनको एक इंजेक्शन से ही 50-60% आराम है, आज इनको दूसरा इंजेक्शन लगाया, देखते हैं इनको उसके बाद कितना रिलीफ रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको या आपके जानने वालों को इस तरह की कोई समस्या है, शाटिका का पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर सकते हैं। आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके फिर ये ओपिनियन ले सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा रिलीजन सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट मिस्टर सूरज सिंह, ये गुड़गांव से हैं, ही इज 24 ईयर ओल्ड। ये आज से 15 से 20 दिन पहले हमारे पास आए थे, उस समय इनको कमर का दर्द था और पूरे के पूरे राइट लोअर लिम में शाटिका पेन था, काफी सिवियर पेन था। और इनका मेनली बैठने का जॉब है, जिसपे इनको कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठना पड़ता है, हाँ मिनिमम 8 घंटे मिनिमम रेगुलर आठ बैठना घंटे पड़ता बैठना है। है। तो हमने इनको डीएससी भी इंजेक्शन लगाया था, उस समय बीटा 1 2 3 बिकॉज ऑफ वेरी सिवियरिटी ऑफ पेन। और इनको डिस्क प्रोलैप्स है, L4 L5 L5 S1, इसमें L4 L5 काफी सिग्निफिकेंट डिस्क इनकी निकली हुई है, आप एमआरआई में देखेंगे फोटो में साइड में कि किस तरीके से एक बल जा रखा है। और कई बार पेशेंट इस चीज को देख के घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी डिस्क निकल गई, इसका क्या होगा, कैसे वापिस जाएगी। पहले मैं तो बताना चाहूंगा, डिस्क एक बार निकलने के बाद जो प्रोलैप्स हो जाती है वो कभी वापस नहीं जाते, बिकॉज 70% ऑफ द डिस्क इज मेड अप ऑफ फ्लूइड ओनली। तो एक बार बाहर आ गया तो बल्ज आउट हो जाता है, ग्रेजुअली इट विल श्रिंक, जैसे जैसे ड्राई होगी श्रिंक होगी तो वो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है और आपकी जो कंप्रेशन होता है नर्व के ऊपर वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड खत्म होता चला जाता है। अब इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं थी, और एक डीएससीबी के इंजेक्शन, जैसे इन्होंने मुझे आपने बताया कि लगभग 70% इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और 30% के आसपास की समस्याएं यानी कि बच्चे में 70% का सुधार इनको एक मात्र डीएससीबी के पहले इंजेक्शन से ही मिला है। हाँ जी सूरज जी, बताइए क्या क्या तकलीफें थी और सर, अब क्या पहले क्या। मैं 1 साल से बहुत दिक्कत में था, इस परेशान थे परेशान से, और 6 3 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, दिक्कत क्या क्या परेशानी थी? हो रही थी। पाँव में पूरा पेन जा रहा था, एक साइड को ऊपर से नीचे तक। तो और साथ मतलब में कोई झंझनाहट सुनते? झंझनाहट नहीं था, पर पेन जा रहा था बस। उसके बाद मैं जैसे ड्यूटी जाता था, ड्यूटी से रूटीन आने जाने का, उसमें बहुत तकलीफ होती थी, मतलब आना जाना बहुत दिक्कत हो गया था। उसके बाद सर आपने यूट्यूब में, जो एक मैं बीच हाँ में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने 24 लिखा था कि 24 घंटे ही दर्द रहता था, हाँ वो सुबह से सुबह से शाम तक शाम तक पूरा दर्द रहता था। पूरा रहता था।
मैं शाम को ज्यादा बढ़ जाता था ड्यूटी से आता था तो ज्यादा हो जाता था। ड्यूटी से आने के बाद मतलब कि ज्यादा बढ़ जाती थी और लगभग लगभग 24 घंटे पिंग होता था। उसके बाद मैं यूट्यूब में वीडियो देखा कहीं से तो सर के पास पहुंचा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया तो उससे 60% तक कम से कम सही लग रहा है। अब जहाँ मैं 1-2 किलोमीटर चलते थे वहाँ 3-4 किलोमीटर चल पा रहा हूँ। पहले आप 1-2 किलोमीटर चलते थे और अब 3-4 किलोमीटर हो गया, उसमें भी मतलब इतना पेन नहीं आ रहा, हल्का फुल्का पेन आ रहा उसमें। और 60% आपके प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, 60-70% सॉल्व हो चुकी है। और जो आप कहते हैं 2400 घंटे दर्द हो रहा है, वो दर्द अब कम हो गया? वो स्ट्रेच करने पे हो रहा है पर वैसे नहीं हो रहा, मतलब माइनर रेगुलर दर्द होता था। हां वो नहीं है, मतलब स्ट्रेच ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूं तब जाके हो रहा है। जैसे आपने बताया कि सुबह जब रहता था शाम तक काम करते करते ज्यादा बढ़ जाता था, अब वो इंटेंसिटी कम है? हां उसमें बहुत कमी आई, उसी में मतलब 60-70% सुधार आया। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब ठीक हो जाओगे? लग तो रहा है। So, 60-70% according to has improved, जो स्पेशली जो इनका दर्द हुआ करता था वो 60-70% 2400 घंटे वाला दर्द इम्प्रूव हो चुका है। पहले ये 1-1.5 किलोमीटर चल पाते थे और अब 3-4 किलोमीटर चलने में भी कोई समस्या है। 3-4 किलोमीटर भी पेशेंट चल रहे थे तो ऐसी समस्याएं इनको नहीं आती। इनके पैर ऊपर से स्ट्रेट उठाएंगे, SLRT ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पे खिंचाव लगे यहीं से अभी आराम से बैठ पाते हो, कोई ऐसा वो नहीं है ना। सो 8-9 घंटे की जो इनकी जॉब है वो भी आराम से कर पा रहे हैं। पैर में जो दर्द था 2400 घंटे वो कम हो चुका है, SLRT इंप्रूव्ड है, पेशेंट एक्सरसाइज सारे के सारे कर रहे हैं। तो दैट इज द मैजिक ऑफ DSCP इंजेक्शन। किस तरीके से इतने सारे मरीज हमारे पास, यंग पेशेंट्स आते हैं जो सालों साल से कमर के दर्द, शैटिका पेन से परेशान है, कुछ ना कुछ मेडिकेशन को अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं और अल्टीमेटली उनको सर्जरी के लिए बोला जा रहा है। और हमने ऑलमोस्ट मोर देन 4500 पेशेंट्स के अंदर इंजेक्शन इस समय लग चुके हैं। मोर देन 4500 इंजेक्शन हम दे चुके हैं, उसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री रेट एसएस रेट इज 85-90% इन यंग पेशेंट जिनकी भी उम्र 50-45 से कम है। एक्यूट कंडीशंस के अंदर इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन में परमानेंटली ठीक हो सकते हैं और अपनी एक एक्टिव नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में किसी ने भी इस प्रकार की समस्या है, उनको डिस्कोलैप्स है, शैटिका का पेन है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल शोल्डर, ऐसी किसी भी समस्या के लिए DSCP इंजेक्शन से पेन मैनेज किया जा सकता है। साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन देके पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है, नीचे लगे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को अपनी रिपोर्ट्स MRI शेयर करके फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।